अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं, बनाएंगे ये जो है बटेर, जो सिर्फ सर्दियों के मौसम में मिलता है। देखिए इस तरह का छोटा सा होता है ये। इसका हम इसकी करी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक लेमू का रस लिया है, जिसको हमने इसमें अच्छे से मिला दिया है। अब थोड़ा सा नमक इसके ऊपर मिला के इसको मैरिनेट करके थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट इसको रेस्ट पे रखेंगे, उसके बाद से फिर इसका मसाला बना के हम आपको दिखाएंगे। अभी इसको रेस्ट पर छोड़ देते हैं। बटेर जो साइड पे रख दिया है, अब उसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। मसाला इसके लिए हमने 1 कप भर के दही लिया है। ये 4 बटेर के लिए हमने 1 कप दही लिया है। और ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, जिसने हमने मोटा मोटा काट लिया है। इसमें थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे और बचा लेंगे, बाद में देंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है, ये तीखी नहीं होती है। इसे हम फूड कलर नहीं मिलाएंगे, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च देंगे। और 1 पिंच हल्दी, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, टेस्ट के हिसाब से उसमें भी नमक डाला है और इसमें भी नमक डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक देंगे। अब इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब एक एक बटेर उठा उठा के इस पे अच्छे से मसाला मिलाएंगे। मसाला मिलाने के बाद अच्छे से मसाला मिला के कोट करके इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में, जिससे कि मसाला ये अंदर अच्छे से चला जाएगा। उसके बाद से फिर 2 घंटा इसको रख देने के रेस्ट पे रखने के बाद से फ्रिज में फिर इसका ग्रेवी बनाएंगे। अब 2 घंटा हो गया हमारा मैरिनेशन किए हुए, अब इसको पकाएंगे। देखिए अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है, मसाला पूरा इस पर कोट हो गया है। और अपना स्टोव ऑन करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। जो आप तेल खाते हैं वही उसी तेल को इस्तेमाल करना है। 4 इसमें हरी इलायची, 2 लौंग और 1 मोटी वाली काली इलायची डालना है। थोड़ी चटकने की लगेगी। 1 हैंडफुल ये प्याज लाल चीज इसको डाल देंगे। इसको अच्छे से पैन तक फ्राई कर लें। इसको हम प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, क्योंकि इसकी हड्डी बहुत कड़ी होती है, ये गलने में इसको बहुत टाइम लगता है। है तो ये छोटी सी, लेकिन बहुत टाइम लगता है इसको गलने में, इसलिए इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। ऐसे कढ़ाई में बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, प्रेशर में फटाफट ये हो जाएगी। अब ये अच्छे से फ्राई हो गई है, गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। अब इसमें जितना मैरिनेशन का मसाला बचा है सब उसमें डाल देंगे।
इतना मैरिनेशन का मसाला बचा था उसमें थोड़ा पानी डाल के हमने हाफ कप और इसमें डाल दिया। इसको थोड़ा सा फ्लेम तेज करके, गैस का स्टोव का फ्लेम तेज कर लिया और उसको थोड़ा उबाल आने के बाद से इसमें लीज लगा देंगे। एक उबाल आ जाए फिर इसमें तेल लगा देंगे। उबाल आ गया है, आप देख रहे हैं, इसमें लीज लगा देंगे। लगा देंगे इसको विसल आने तक, दो विसल आने तक पकाएंगे। दो सीटी आ गई है, अब स्टोव का फ्लेम कम कर देंगे। इसका प्रेशर निकलने के बाद तब फिर इसको खोल के दिखाएंगे। कि अब हमने इसका ढक्कन हटा दिया है, अब ये अच्छे से टेंडर हो गया। हमने कुकर से पैन में ट्रांसफर कर दिया, इसको कि अब बभाल के हाथ से अच्छे से भूनेंगे, जिससे इसका जो सारा ग्रेवी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। इसकी ग्रेवी नहीं रखनी है, हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहती है। इसको थोड़ा सा धीरे धीरे कराते हुए ड्राई कर लेंगे। इसमें हमने गरम मसाला नहीं दिया था, अब तैयार हो गया। ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालें, होम मेड गरम मसाला 1/2 टीस्पून इसमें डालें। इसको भी अच्छे से इसमें मिला के इसको ये ग्रेवी ड्राई कर दें। अब हमारा ये बटेर मुसल्लम ग्रेवी वाला बनके तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है और सर्दियों के मौसम में खाने में इसको बहुत फ़ायदा है। इससे बदन में बहुत गर्मी आती है, लीवर में भी बहुत ये फ़ायदा करता है। अगर आपको ये पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपका कमेंट पढ़ने में हमको बहुत अच्छा लगता है। इसको रोटी से, नान से, चावल से, ज़ीरा राइस से, जिससे भी आपका दिल चाहे आप इससे खाइए, आपको बहुत अच्छा मज़ा लगेगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। खुदा हाफिज़।